गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग मिक्सचर एंड कंपाउंड के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं उसको पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके डेफिनेशंस को पढ़े थे और उसका प्रॉपर्टीज़ को पढ़े थे। डिफरेंसेस से क्या होता है कि बहुत अच्छे तरीके से हमें उसका डेफिनेशन पता चल जाता है, उन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे मिक्सचर और कंपाउंड है, अब इससे रिलेटेड सारे टर्म्स, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़े थे, लेकिन जब डिफरेंस देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस है, मिक्सचर हैव वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब, मिक्सचर क्या होता था, कोई भी दो या दो से अधिक चीज़ों का एक फिजिकल कॉम्बिनेशन होता था। वो दोनों आपस में केमिकली कंबाइन नहीं होते थे, फिजिकली कंबाइन होते थे। जैसे शुगर ले लिया, सॉल्ट ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया। और इसमें कोई एक फिक्स कंपोजिशन भी नहीं है कि 1 किलो शुगर ही लेना है, 1 किलो सॉल्ट ही लेना है। हम चाहे तो 1 किलो शुगर में 5 किलो सॉल्ट मिला सकते हैं। उसी को बोलते हैं वेरिएबल, मतलब यहाँ पे कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड तभी बनता है जब दो चीज़ें फिक्स कंपोजिशन में मिलाई जाती हैं और दोनों के बीच में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। फिक्स कंपोजिशन मतलब कि अगर 1 किलो पहला सब्सटेंस है तो दूसरा सब्सटेंस आधा किलो होगा, ठीक है। 1 किलो पहला सब्सटेंस है और दूसरा 2 किलो ले लिया है तो वो कभी भी जो है कंपाउंड नहीं बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स डू नॉट कंबाइन केमिकली। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, जो इसके एलिमेंट्स हैं, जैसे एलिमेंट ए एलिमेंट बी, दोनों मिक्स हुए हैं। मिक्स होने के बाद वो क्या होते हैं, या तो केमिकली कंबाइंड होगा या तो फिजिकली कंबाइंड होगा, ठीक है। केमिकल कंबाइंड मतलब जस्ट वो मिक्स हो जाएंगे, आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं होगा उनके बीच में, ठीक है। तो वो हो जाता है, मिक्सचर बना देता है विदाउट केमिकली कंपोजिशन, विदाउट केमिकल रिएक्शन। अगर कोई दो चीज़ मिल रहे हैं तो वो बनाएंगे मिक्सचर को। ऑन द अदर हैंड, कंपाउंड में जो भी दो एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं, उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है और वो तब जाके मिक्स हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब जो मिक्सचर बना है किससे बना है, दो अलग अलग एलिमेंट से बना है, ठीक है। मान लो कि एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है और दोनों को मिलाने से बना एक मिक्सचर सी, ठीक है। ये क्या है, मिक्सचर, और ये एक अलग एलिमेंट, एक दूसरा एलिमेंट। अब जो ये मिक्सचर होगा, इसका जो प्रॉपर्टी होगा उसमें ए का भी प्रॉपर्टी होगा और बी का भी प्रॉपर्टी होगा। बात समझ आ रहा है, जैसे मान लो कि ए क्या है, मीठा है, और बी क्या है, नमकीन है। तो जब ये सी जो मिक्सचर बना है ए और बी को मिलाने से, इसको टेस्ट करेंगे तो ये मीठा भी लगेगा और नमकीन भी लगेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ मतलब इसके मीठे वाले प्रॉपर्टी को भी ये शो कर रहा है और इसके नमकीन वाले प्रॉपर्टी को भी ये शो कर रहा है, ठीक। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड में जो दो मिक्सचर बनते हैं, देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इसमें एलिमेंट ए और एलिमेंट बी से मिलकर जो एक नया एलिमेंट तैयार होता है, केमिकल कंपाउंड सी, इन दोनों के बीच में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होने के कारण जो कंपाउंड बनता है, इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होता है इससे और इससे, ना ही इससे मैच करेगा और ना ही इससे मैच करेगा, ये बिल्कुल अलग चीज़ बन जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर है, ठीक है। वाटर किससे मिला है, किससे मिलके बना है, एच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना है वाटर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है, हाइड्रोजन एक तरीके का गैस है, ऑक्सीजन भी एक तरीके का गैस है, लेकिन वाटर क्या है, एक तरीके का लिक्विड है। तो ये पानी हो गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया, ये दोनों गैसेज फॉर्म में, तो बिल्कुल इसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई कि नहीं। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, इन दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है क्या है, इनका गैस नेचर। लेकिन इससे मिल के जो बना है कंपाउंड, इसका प्रॉपर्टी क्या हो गया, लिक्विड नेचर, तो बिल्कुल अलग हो गया। तो कंपाउंड में इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी से कंपाउंड मेल नहीं खाता है, वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाई सिंपल फिजिकल मैथड्स। अब जो है ये हो गया मिक्सचर, मिक्सचर से अगर हम फिर से इसको अलग करना चाहें, जिन चीज़ों से मिलकर ये बना था इसको उन्हीं चीज़ों में तोड़ना चाहें, अलग अलग करना चाहें, तो ये हम कर सकते हैं कैसे, बाय सिंपल फिजिकल मेथड।
सिंपल फिजिकल मेथड मतलब अगर यहाँ पे दो चीज़ों का मिलावट किया गया है, ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि दो अलग अलग चीज़ें इसमें मिक्स्ड है। मान लो कि गेहूं है, ठीक है, गेहूं में छोटे छोटे कंकड़ मिले होते हैं, तो हम ये क्या हो गया, एक तरीका मिक्सचर हो गया। गेहूं में अगर छोटे छोटे कंकड़ मिले हुए हैं तो क्या होता है, मिक्सचर हो गया। तो हम देखो उसको सेपरेट कैसे करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मम्मी उसको लेती है छलनी में, छलनी में लेकर चालती हैं तो क्या होता है, छलनी का जो होल्स होता है वो छोटा होता है, जिसमें जिससे कि छोटे छोटे पत्थर जो है वो नीचे गिर जाता है और गेहूँ उसी में रह जाता है। तो ये एक तरीके का सिंपल फिजिकल मेथड हुआ कि क्या करने का, सेपरेट करने का, अलग अलग करने का। अब इसमें से दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट अलग हो गए कि नहीं, पत्थर जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हुआ और गेहूं का दाना जो है वो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हुआ। दोनों जब मिले हुए थे तो क्या कहला रहे थे, मिक्सचर। लेकिन जैसे ही चलनी से हमने चाला उसको, पत्थर अलग हो गया और गेहूँ अलग हो गया, तो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को हम अलग कर पाए। किस तरीके से, सिंपल फिजिकल मेथड्स के थ्रू। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड को हम इस तरीके से अलग नहीं कर सकते। अब क्या पानी को हम अलग कर सकते हैं कि ये जो है किसी भी तरीके से हाइड्रोजन अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए, ऐसा कुछ है कि पानी में हाथ डाल के हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सिंपल फिजिकल मेथड के थ्रू इसको हम फिर से तोड़ नहीं पाएंगे। हाँ, इसको तोड़ने के लिए मतलब हाइड्रोजन इसमें से, पानी में से हाइड्रोजन को अलग करने के लिए, ऑक्सीजन को अलग करने के लिए केमिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड्स होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिंपल फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं हो सकता। अब देखिए एग्जांपल देख लेते हैं, मिक्सचर की एग्जांपल क्या है, एयर। एयर एक तरीके का एग्जांपल है मिक्सचर का। कैसे, क्योंकि एयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं। एयर में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, फिर नाइट्रोजन है, बहुत तरीके, अलग अलग तरीके के हीलियम है। तो ये सबसे मिल के बना हुआ है क्या, एयर। और ये कोई फिक्स प्रोपोर्शन में तो है नहीं, हो सकता है हाइड्रोजन ज़्यादा हो, ऑक्सीजन कहीं पे कम हो, कहीं नाइट्रोजन ज़्यादा हो, कहीं हीलियम कम हो, तो इसलिए इसको ये एक एग्जांपल हो गया। सॉयल, मिट्टी, मिट्टी भी एक तरीके का मिक्सचर है, क्योंकि मिट्टी में बहुत अलग अलग तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे मिट्टी में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, ठीक है, बहुत तरीके क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, और भी बहुत, सिलिका होता है। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, सॉइल को, इसलिए हुआ है। और ये सब आपस में केमिकली कंबाइंड नहीं होते। नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड का देखिए एग्जांपल क्या है, सॉल्ट। सॉल्ट अपने आप में एक कंपाउंड है, ठीक है। सॉल्ट में जैसे जब समुद्र से जब सॉल्ट निकलता है तो उसमें बहुत तरीके के अदर केमिकल्स को, अदर जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। कंबाइंड होने के बाद वो सॉल्ट का फॉर्म ले लेते हैं। जैसे फिर शुगर है, शुगर क्या होता है, शुगर भी जो चीनी हम खाते हैं वो भी बहुत तरीके के उसमें मिनरल्स वगैरह बहुत ऐड रहते हैं, बहुत तरीके के केमिकल्स, बहुत तरीके के मिनरल्स, वो केमिकली कंबाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सिंपल दोनों का फॉर्मूला जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट से ये मिलके बने हुए हैं केमिकली। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला देखिए क्या है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिल के बना है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन में जब केमिकल रिएक्शन हो गया तब ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक एग्जांपल हो गया कंपाउंड का।